न्यू शिफ्ट कॉलोनी में रहवासी खुद कर रहे नाली का निर्माण, सरकारी तंत्र से परेशान होकर स्वयं कर रहे नाली का निर्माण। खबर शिवपुरी की न्यू शिफ्ट कॉलोनी से आ रही है। यहां रहवासियों ने कई बार नाली निर्माण के लिए नगर पालिका में आवेदन दिया एवं सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, लेकिन नाली का निर्माण अभी तक नहीं हुआ। नाली न होने के कारण पूरा पानी पास में बने एक प्लॉट में भर जाता है, जिससे रहवासियों को काफी समस्याओं एवं गंदगी का सामना करना पड़ता है, जिससे परेशान होकर खुद रहवासियों ने जिम्मेदारी को उठाते हुए चंदा इकट्ठा कर नाली निर्माण का कार्य शुरू किया है। देखिए क्या कहा रहवासियों ने। राकेश सर, अच्छा, क्या आप नाली का निर्माण जो चल रहा है तो क्या कहेंगे आप? नगर पालिका नहीं करवा पा रही, चंदा इकट्ठा करके करवाना पड़ रहा है। चूंकि हम लोगों ने आज से 4 माह पूर्व सीएमओ नगर पालिका को व्यक्तिगत रूप से एवं लिखित रूप से कई बार अवगत कराया, अवगत कराने के बाद भी नगर पालिका द्वारा ना तो हम लोगों की सुनवाई की जा रही है, किसी भी प्रकार का हम लोगों को रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। उसके पश्चात में हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो महत्वाकांक्षी सीएम हेल्पलाइन योजना है, उसमें भी हम लोगों ने, कॉलोनी वालों ने 3-4 शिकायत दर्ज कराई गई। उस शिकायत का ये हुआ कि उनको जो है भ्रामक जानकारी उन्होंने फीड कर शिकायतें बंद करा दी गई, जबकि जिस दिन से हम लोगों ने शिकायत लगाई है उस दिन से आज दिनांक तक नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी हमारी कॉलोनी में नहीं आया। विगत 5 वर्षों से ना तो हमारा कोई पार्षद आया यहाँ पर। हम लोग मजबूरी में इस गंदगी में जीने को मजबूर हैं। अंत में हम लोगों ने, कॉलोनी वालों ने, सभी ने निर्णय लिया कि क्यों ना अपन लोग चंदा एकत्रित कर इस नाली का निर्माण कराएं, जिससे होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। अगर साफ सफाई की बात की जाए तो जगह जगह गंदगी के भी अंबार लग रहे हैं कई जगह। आपने, आपके पास की जो नाली है वहाँ पर वो भी चौक है, तो उसके लिए भी आपने, इस नाली के लिए भी हमने कई बार बोला। उनका मेट है अजय, अजय एक बार देखने भी आया, उसके बाद उसने दोबारा लेबर भी नहीं भेजी, ना आज दिनांक तक सफाई